All right, 11th, we have to start the next concept, if, elif, if. If, elif, else, sorry. Now, what is if, elif, else concept? Up till yesterday, we were doing if, else. If condition is there, the condition is tested. If the condition is true, one set of statement get execute. If condition is false, another set of statement gets execute. Okay. So whether your condition is true or false, one set of statement will run. And we are checking condition only once. हम एक ही condition check कर रहे हैं. और उस एक कंडीशन के चेक होने के डिपेंडेंट वी आर टेकिंग द एक्शन. आई एम चेकिंग ओनली वन कंडीशन. इफ आई से सपोज ए मोर देन बी, आई एम चेकिंग ए मोर देन बी. अगर बी ए से ज्यादा हुआ वो तो ऑटोमेटिकली फेल हो गया ना, और वो एल्स में चला गया. सपोज देयर अराइज एनी सिचुएशन Like this, आपके पास सेल्स हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू अलॉट प्रॉफिट, अ बोनस सॉरी, ओके राइट. अब यहां पे कंडीशंस क्या है? इफ योर सेल्स इज मोर देन 50,000, बोनस शुड बी 20%. If your sales is more than 30,000 and less than equal to 50,000, bonus should be 15%. And if your sales is less than equal to 30,000, your sales should be, bonus should be 10%. आपको सिचुएशन क्लियर होगी? ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, सिचुएशन इज क्लियर टू यू? व्हाट क्राइटेरिया आई हैव सेट? द क्राइटेरिया इज यू इनपुट द सेल्स. इफ योर सेल्स इज मोर देन 50,000, यू आर टू अलॉट 20% बोनस टू योर एम्प्लॉइज. एक ये कंडीशन होगी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. ओके, अगर आपकी सेल 30,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम और उसके बराबर है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 30,000, नाउ एज पर द गिवन सिनेरियो you don't have one condition, you have multiple conditions. In spite of the fact you have multiple conditions, only one condition will get true at a time, and statement associated with that condition will run. अब यहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है. अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज माय फर्स्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, विल आई चेक सेकंड एंड थर्ड कंडीशन? नो, आई विल नॉट चेक. इफ माय फर्स्ट कंडीशन गेट्स ट्रू, आई वोंट बी गोइंग टू द सेकंड एंड थर्ड कंडीशन. देन आई विल, if my first condition is false, suppose my first condition is false, okay, then I will be going to the second condition. I will come on the second condition only if the first condition fails.
if my second condition is true, will I go to third condition? No. When I will go to third condition? If my second condition is false. And this is the final part. This is the final else part. Ye to chalega hi chalega fir. I give one live example to you people. Put that live example in the coding. You will understand the concept of if, elif, else. ठीक है? Yes, second condition elif की होगी. ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, वरना ये तो है ही. एक simple phrase याद रखो. ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, कुछ भी ना हुआ, ये तो फिर है ही. मॉनिटर बन, टीचर ने क्लास में मॉनिटर बनाने एग्जाम्पल सुन लो. उस एग्जाम्पल हर्षिता फोकस हियर, उस एग्जाम्पल को यहां ले आना. टीचर ने क्लास में मॉनिटर बनाना है और बनाना एक ही बच्चा. फर्स्ट ऑप्शन क्रिश बेरी. इफ ही डजंट क्लियर द टेस्ट, डजंट क्लियर द कंडीशंस फॉर द मॉनिटर, देन आई विल शिफ्ट टू ध्रुव. क्रिश बेरी अगर पहले ही सिलेक्ट हो गया तो बाकी तो ऑप्शन रह नहीं जाएंगे फिर. अगर क्रिश बेरी सिलेक्ट नहीं होता तो मैं ध्रुव पे जाऊंगा. ध्रुव नहीं होता फिर मैं दीपक पे जाऊंगा. अगर क्रिश, ध्रुव, दीपक तीनों ही नहीं होते फिर दीपांशु तो है ही. अगर तीनों में से कोई सिलेक्ट ना हुआ दीपांशु तो फिर है ही. एल्स पार्ट तो चलेगा ही चलेगा अगर प्रीवियस पार्ट ना चले तो. पिछली स्टेजेस फेल हो गई तो वो एल्स की स्टेज पे आएगा. ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे कौन सी कंडीशन ट्रू हुई है. द मीनिंग इज क्लियर ऑफ इफ एलिफ इफ ऑनलाइन क्लास? रेज योर थंब ऑल ऑफ यू टू दोज कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Only three thumbs are raised. Manjot and Aryaman, no response is coming. Tishnur, no response. Harnoor, 11th B, no response. Vriti, no response. Divanshi, no response. Chirag, no response. Yashika, no response. All right, let us start the program. Carefully observe what I am doing. Side by side, you implement on your PC. Okay, first of all, input the sales. I am taking the variable sales, float, input, enter the sales. Enter the sales. Clear? ठीक है बेटे. नाउ लेट अस स्टार्ट द कंडीशंस. इफ सेल्स मोर देन 50,000 कोलन. अब यहां से ब्लॉक शुरू होगा क्योंकि कोलन लग चुका है. व्हाट इज द प्रॉफिट, सॉरी बोनस, व्हाट इज द बोनस? 20% of sales, 0.20 into sales, 0.20 into sales. Okay. To make the next condition, here you will put elif. Elif means else if. अगर ये नहीं हो रहा तो ये चलो. एलिफ स्पेस सेल्स इज मोर देन 30,000 एंड सेल्स लेस देन इक्वल टू 50,000. ये देखो कैसे बनाना है एक्सप्रेशन. चेक आउट हाउ द एक्सप्रेशन इज टू बी मेक.
sales more than 30,000 and sales less than equal to 50,000. If this condition gets true, bonus is 15% of sales. Okay. I make one more step here. Elif, sales more than equal to more than 20,000 and sales less than equal to 30,000. Bonus equal to 10% of sales. आपको स्टेप पता लग गए सारे? ऑफलाइन क्लास जपलीन हर्षिता वान्य आपको बॉयज स्टेप क्लियर है? ऑनलाइन क्लास स्टेप्स आर क्लियर? हिमांशु समृद्धि दिया हरसिमरन मनजोत हिमांशु आर्यमन ये मेरी लास्ट स्टेज है। अब यहां पे मेरा एल्स बनेगा। एल्स सीधा कोलन, नो नीड टू पुट कंडीशन ऑन एल्स। एल्स के साथ कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है, वो चलेगा ही चलेगा अगर ऊपर कोई कंडीशन ना चली तो। ये देखिए इधर एलसीडी, अगर ये कंडीशन यहां पे कब आएगा? व्हेन द कंट्रोल विल कम एट दिस स्टेज When the previous two conditions are fail, else पे कब जाएगा? अगर third fail हो गई, third कब fail होगी? अगर salary 19,000 है, 19 तो 20 से ज्यादा नहीं है ना, तो अगर अगर sales 19,000 है, automatically वो else पे जाएगा। दीपक नहीं समझा मेरी बात। मैंने मोर देन लगाया 20,000, अगर 19 है तो नेक्स्ट पे जाएगा ना एल्स पे, अगर 20 है तब भी एल्स पे जाएगा ना। आई हैव पुट मोर देन हियर, अगर 20 या 20 से कम है तो ऑटोमेटिकली वो फाइनल एल्स पे जाएगा। यानी जब जब आपकी सेल्स 20,000 तक है वो एल्स पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। एल्स बोनस इक्वल टू 0.05 इंटू सेल्स, फिर बोनस 5% है, देन द बोनस इज 5%। एम आई क्लियर टू ऑल? नाउ प्रिंट हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट द सेल्स, accordingly print the bonus. Bonus वही print होगा जिस step में condition true हुई है, right? Online class program is clear to all? डॉक्यूमेंट्स में मैंने कल एक फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप पे था फोल्डर शायद। आई मेक आर प्लस वन प्रोग्राम्स फ्लो ऑफ कंट्रोल सेल्स बोनस। एंटर सेल्स आई एम गिविंग 25,000। सी हियर 25,000 I have given sales. Check out which condition goes true. Third. 10% हुआ ना? 25,000 का 10% क्या हुआ हर्षिता? Calculate करो 2500. Am I clear to all?
Himanshu, please wait. I'll shortly unmute you. Please wait. Put your hand down. Yes, am I clear up till here? Samriddhi, Diya, Manjot, Harsimran, Tishnur. Tishnur, are you here in the lecture? Gurjot Singh, Vriti, Yashika, Chirag. Diksha, okay. A Himanshu of 11C, you take attendance of your class and send to Dinesh sir after the lecture. Okay, and Divanshi, you take attendance of 11th A and B. Let us run it again. I run it again, and this time I am giving salary 15,000. Now tell me what will happen. My sales is 15,000 only. The last part, else part, will run. See, 750 bonus, 5% of sales, 5% of sales. Okay. Then I'm having sales 45,000. First condition only? No, second condition goes true. Second condition goes true. Right? Am I clear to all? You have done the program offline class. Output is there. Okay. Now I explain you one more concept, one more program in if else if by taking some other example. Okay. Save as. Here I take maths operators. What the program is? You input two numbers. Along with inputting two numbers, you input any maths operator. Aapko do number input karne hai. And along with inputting two numbers, you are to input one mathematical operator also. Whether plus, whether minus, whether multiply, whether division. And whichever operator you are inputting, accordingly operation should be performed. If you are putting add, two numbers get added. If you are inputting minus, two numbers should get subtract. Likewise for the product, floor division, normal division, and power. Okay. So let's start the code. You also start side by side. For two numbers, I am taking int, input, enter x, y, int, input, enter y. Okay. Enter x, enter y. Right? OP. OP means operator. Okay. Will I take OP of type float or int? Or a input, direct input? Kya mera operator integer ka hoga? Kya mera operator float ka hoga? Nahi. Mera operator type character hai. It will be direct input function. Input. Enter any operator, arithmetic operator, enter any arithmetic operator. Okay. You can enter plus, minus, whatever you want, right?
Now, first condition. Better now see the LCD, all of you. For the first condition, if I'm inputting plus, if operator equal to single quotes may plus operator. Why I put in single quote? Whatever you input via input function is treated of type string. ठीक है, अगर मैं यहां पे int ना लेता, यहां पे input लेता, तो मेरा x का जो number है वो भी string type का होता, तो मैं उसके ऊपर calculation नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहां पर int function लेना पड़ा। यहां पर मैंने single quote क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो मेरा operator है वो मैं input function के through input कर रहा हूं, and whatever you input via input function is treated as string. Okay, right? Maybe a single character, maybe a complete string. You can enclose in single quote. Chahe character hai, chahe koi string hai. It is to be enclosed in single quote. You can't write like this. This is wrong. Okay? So, agar mera operator plus hai, to kya karna hai? x plus y elif operator equal to minus. अच्छा, मैंने double equal to क्यों लगाया? Why I am using double equal to here? Why not single equal to? Yes, Samriddhi. Sir, first equal to is assign operator and the second equal to is to equate the operator to addition operator or negative. Very right, very good. Bete, we are doing comparison. Kya mera input kiya hua operator plus ke equal hai, plus ke barabar hai. This is equal to. We are comparing. Hum do cheezo ko compare kar rahe hain. Agar main yahan pe single leta, that means I am assigning. Okay. So if it is minus, R equal to X minus Y. Elif. Third condition. If operator is asterisk multiply, R equal to X into Y. Elif. If operator is division, this x divide by y. Elif, if operator is floor division, result is x floor division y. Elif, if operator is equal to exponent.